मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एरिया कुछ सुनसुनाता। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वह काम पर निकल जाता और देर शाम तक लौटता। सुनसान जगह इतना आलीशान मकान देखकर चारों के एक समूह ने वहां चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले वे मैनेजर घर के पास चक्कर मारकर उसके घर की गतिविधियों का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उनकी नजर मैनेजर की एक अजीब हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग से एक एक कर कुछ निकालने लगा और उसे पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीठ चारों की तरफ होने के कारण चोर ये देख नहीं पाए कि उसने अपने बैग से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये अवश्य ही कोई कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के पास गार्ड लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। रात में जब घर की लाइट्स बुझ गई तो उन्हें इत्मीनान हुआ कि घर में सब सो गए हैं। वे दीवार फाड़ कर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचे। फिर बिना समय गवाए वे वहां मैनेजर की छुपाई चीज खोजने लगे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार तक हार कर वे वापस लौट गए। अगले दिन वे फिर उस घर के पास छुपकर बैठ गए। मैनेजर जब ऑफिस से वापस आया तो चोरों की नजर फिर उस पर ही कट गई। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग से निकालकर उसमें कुछ डालने लगा। फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार फांद आम के पेड़ के पास पहुंचे और जी जान से उन चीजों को खोजने में लग गए जो मैनेजर ने वहां छुपाई थी, लेकिन उन दिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वे रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ ना लगा। वे परेशान हो गए कि मैनेजर आखिर कैसे उन चीजों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चोर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब चोरों में चोरी करने से ज्यादा इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा शांत करने रविवार के दिन वे सभी मैनेजर से मिलने उसके घर पहुंचे। मैनेजर का उन्होंने शरीफों की तरह अभिवादन किया। फिर चोरों का सरदार बोला, सर पलीच पूरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछनी है थी। हम लोग चोर हैं, पिछले कुछ दिनों से आपके घर चोरी करने की फिराक में हैं। हम रोज देखते हैं कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन
लाख कोशिश के बाद भी हम वो चीजें ढूंढ नहीं पाए। हम सब ये जानने को बेचैन है कि आप वह चीजें कैसे छुपाते हैं कि वो मिलती नहीं है। चोरों की बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा, फिर बोला, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ भी नहीं छुपाता। तुम लोगों को गलत फैमिली हो गई है। नहीं सर, हमने देखा है, आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ निकाल कर पेन में डालते हैं। आप वहाँ कुछ ना कुछ तो छुपाते हैं। चोर एक स्वर में बोले। अब मैनेजर गंभीर हो गया और बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है, जिस कारण तनाव होना लाजिमी है। इस किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना ही होता है। इसके लिए रोज किसी ना किसी से चिक चिक होती है। कस्टमर्स के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना अधिक होता है कि घर आने पर भी नहीं जाता। पहले अक्सर मेरे तनाव को बेवजह मेरे परिवारजन झेलते थे। कुछ देर रुककर मैनेजर आके बताने लगा, जब मैंने ये नया घर बनवाया तो सोचा कि इस घर का मोहल्ला में शांति पूर्व कर रखूंगा। कभी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं लाऊंगा। इसलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूँ और अपना पूरा तनाव एक एक कर वहाँ डाल देता हूँ। कमाल की बात है कि अगले दिन जब मैं वो उठाने जाता हूँ तब तक आधा तनाव तो गायब हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन फिर जब शाम को घर आता हूँ तो तनाव पेड़ के पास छोड़ जाता हूँ। यही पेड़ का रहस्य है। मैनेजर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आया। चोरी करने में तो वे सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख उन्हें जरूर मिली। सीख, आज के दौर में जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऑफिस का तनाव अपने घर ले आते हैं। इस तरह वे घर पर भी सुकून से नहीं रह पाते हैं, साथ ही अपने तनाव से परिवार जनों को भी प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ ढोना आवश्यक है? क्या इस तरह जिंदगी कुछ ज्यादा कठिन नहीं बनती जा रही? तनाव को एकदम से तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर पर परिवार जनों के साथ होने पर तो तनाव को दूर रखा जा सकता है और उनके साथ खुशनुमा फल बिताया जा सकता है। इसलिए जब भी घर आए तनाव को बाहर ही छोड़ आए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल पे क्लिक करके बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा।